हेलो गाइस, आप लोग का स्वर्ण जयंती राजधानी के पार्ट 3 वाले वीडियो में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की जर्नी हम लोग अपने फाइनल डेस्टिनेशन अहमदाबाद जंक्शन तक की करेंगे, जो कि रतलाम से शुरू होने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर। पार्ट 2 में आप लोग याद हो हम लोग रतलाम तक जर्नी किए थे। तो चलिए दोस्तों, फिर यहाँ से डिपार्ट करते हैं। आगे सिग्नल हम लोग ग्रीन मिल चुका है। राजधानी सुपरफास्ट एक्सप्रेस। दोस्तों, और एक रोमांचक जर्नी की शुरुआत हो चुकी है। आज का वीडियो भी पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज भी लोग ट्राई करेंगे कि 170 तक चला पाए अपने ट्रेन को। जैसा कि लास्ट के दो पार्ट में आप लोग ने देखा होगा कि हम लोग ट्राई बहुत किए 170 का स्पीड अचीव करने का, लेकिन कर नहीं पाए। आज देखते हैं क्या होता है, कितना बार हम लोग का ट्रैक चेंज होता है, कितना बार हम लोग सिग्नल मिलता है, वही देखना आज। चलिए दोस्तों, हम लोग का डिपार्चर हो चुका है रतलाम से, और हम लोग यहाँ से 100% कर देते हैं थ्रॉटल को, जिससे कि हम लोग जल्दी से 170 स्पीड अचीव कर पाएँ। और हम लोग का अगला स्टॉप है अहमदाबाद जंक्शन, जो कि हम लोग का फाइनल डेस्टिनेशन भी है। और आगे ट्रैक चेंज होने वाला हम लोग का फिर से, तो स्पीड कम करना पड़ेगा। दोस्तों, अभी हम लोग यहाँ पे ट्रैक चेंज हो रहा है, और आगे फिर हम लोग एक बार ट्रैक चेंज होगा शायद। हाँ, आगे एक बार और हम लोग का ट्रैक चेंज होने वाला है अभी। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं अभी हम लोग का ट्रैक चेंज हो चुका है। अभी हम थ्रॉटल को 100% पे कर चुके हैं, और आगे दाहू स्टेशन को स्किप करने वाले। यहाँ पे हम लोग को येलो सिग्नल देकर रखा गया, तो स्पीड को घटाना तो पड़ेगा ही, तो आगे शायद रेड सिग्नल भी हो सकता है। तो प्लेटफॉर्म 1 से स्किप कर रहे थे दाहू को, स्किप किया लगता है, आप लोगों को रोकना पड़ जाए। यहाँ पे हम लोग को रोकना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं, आगे रेड सिग्नल है। रुक चुके हैं यहाँ पे, देखते हैं कितना देर में हम लोग को सिग्नल ग्रीन मिलता है। तो दोस्तों, हम लोग को सिग्नल ग्रीन मिल चुका है। वीडियो थोड़ा स्किप कर दिए थे, जैसे कि वीडियो लंबा ना हो जाए, और अभी हम लोग डिपार्ट करते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं प्लेटफॉर्म 3 पे एक तेजस एक्सप्रेस अराइव कर रही है, जिसका कि वैप 7 लोकोमोटिव लगा हुआ था। और हम थ्रॉटल को 100% पे रखती हैं, जिससे कि हम लोग जल्दी से अपना स्पीड अचीव कर पाएँ। और अगला स्टेशन हम लोग गोधरा को स्किप करेंगे, गोधरा जंक्शन को हम स्किप करने वाले हैं। तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ पर हम लोग को रोका जाता है कि हम लोग वहाँ पर स्किप कर पाते हैं। आज हम लोग लेट तो नहीं चल रहे हैं, लेकिन यही सब सिग्नल और ट्रैक चेंज की वजह से हम अपना स्पीड अचीव नहीं कर पा रहे हैं, जो उसमें हम लोग सोचे हैं अचीव करने का। और दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ अगर आपके दोस्तों को भी ट्रेन पसंद है तो उनको भी आप मेरे वीडियो सबको शेयर कीजिए। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए। और आगे यहाँ दिखा रहा कि हम लोग का ट्रैक चेंज होगा आगे भी, और यहाँ से एक और राजधानी को हम लोग क्रॉस किए थे कि मैम को लोकोमोटिव लगा था शायद। देखते हैं अगर हम लोग ट्रैक चेंज होगा तो स्पीड कम करेंगे तो नहीं करेंगे, ट्रैक चेंज होगा स्पीड कम कर लेते हैं। और आगे सिग्नल भी येलो, स्पीड तो कम करना ही पड़ेगा हम लोग, चाहे रोकना भी पड़ जाए फिर से यहाँ गोधरा जंक्शन को।
गोधरा जंक्शन की प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हम लोग स्किप कर रहे हैं, या प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे रोकेंगे, जो बोलिए एक ही बात है। चलिए दोस्तों यहीं पे रोक देंगे अपने ट्रेन को बस। रुक चुकी है हम लोग की ट्रेन और देखते हैं कितना देर में हम लोग को सिग्नल मिलता है। उम्मीद है कि जल्दी ही सिग्नल मिल जाएगा हम लोग को, कि आप लोग देख सकते हैं हम लोग के ट्रैक्स पे जो ट्रेन है वो अभी अराइव कर रही है। चलिए देखते हैं कौन सा ट्रेन है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे अराइव करिए अमूल वैफ 5 डिग्री वाला लोकोमोटिव के साथ एक मामा एक्सप्रेस। हम लोग सिग्नल मिल चुका है, वहाँ से डिपार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों अभी हम लोग गोधरा से डिपार्चर हो रहा है और अब यहाँ से उम्मीद तो कम है कि हम लोग 17 तक पहुँच पाएंगे, क्योंकि आगे और बहुत ट्रैक चेंज मिलने वाला है हम लोग को। और अहमदाबाद का यहाँ से डिस्टेंस बहुत कम है, तो बहुत कम उम्मीद है कि हम 170 तक पहुँच रहे हैं। 130 से हम लोग ट्राई करेंगे कि पहुँच जाए इतना कम डिस्टेंस में। अराइव कर रही है WT4D लोकोमोटिव के साथ एक हम सफ़र एक्सप्रेस, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अराइव कर रही है। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारा फिर से ट्रैक चेंज हो रहा है, अराउंड 50 का स्पीड में थे अभी हम, तो उस स्पीड में लोग ट्रैक चेंज करेंगे। दोस्तों अभी आगे हम लोग फिर से ट्रैक चेंज है, इसलिए हम स्पीड ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। अभी हम लोग अहमदाबाद की तरफ मुड़ जाएंगे, जो कि राइट में है, और लेफ्ट में है हम लोग के वडोदरा। चलिए दोस्तों अब हम लोग 100% कर देते हैं थ्रॉटल को, क्योंकि यहाँ से स्ट्रेट लाइन है अहमदाबाद के लिए, और देखते हैं हम लोग कितना स्पीड अचीव कर पाते हैं अहमदाबाद पहुँचने से पहले। अभी लोग आनंद स्टेशन स्किप करेंगे। तो 10 किलोमीटर पर आकर स्पीड से हम स्किप कर रहे हैं आनंद स्टेशन को, प्लेटफॉर्म नंबर 1 से हम स्किप कर रहे हैं। अभी लोग 120 का स्पीड में पहुंच चुके हैं, 130 से हम पहुंच जाएंगे, जैसा कि हम आप लोगों को बोले थे कि 130 तक तो भी हम पहुंच ही जाएंगे। देख सकते हैं 130 से हम पहुंच गए थे, अब स्पीड डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं, अहमदाबाद में हम अराइव करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी हम प्लेटफॉर्म 3 पे अराइव कर रहे हैं अहमदाबाद जंक्शन के। पैसेंजर्स यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइम हम लोग थोड़ा लेट हो गए हैं, ट्रेन नंबर अराउंड 15 मिनट लेट हम लोग अराइव कर रहे हैं अपने फाइनल डेस्टिनेशन। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि जैसे हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आप लोग से मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।